सो यार सैडली ये कहना पड़ रहा है कि यस दैट आई हैड क्रैश्ड माय ड्रोन इन हिमाचल. Yo, what's up everyone, welcome back to the channel. This is Akash Bawa. Those who are new here, let me tell you, I'm your dost and the host of this channel. सबसे पहले सुप्रभात आप सभी को और सलाम मेरा मेरे इस देश को. यार पता है क्या है, इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ अपना दुख शेयर करने वाला हूँ. तो इस व्लॉग का शुरुआत इतनी एक्साइटमेंट से नहीं होना चाहिए था, पर क्या करूँ यार, जब मुझे आप लोगों को ग्रीटिंग्स देनी होती है ना, मुंह लटका करके मैं फिर आपको ग्रीट करूँ ना, मेरे भाई आप लोग हो तो हम हैं, नहीं तो हम भी नहीं. एक फैक्ट बात बताऊँ, ये जो एरिया है ना, ये जंगल सफारी का एरिया है. यहाँ पर होती है जंगल सफारी, और दो दिन पहले ना यहीं पर लियोपार्ड देखा गया था. मैं यहाँ पर वीडियो बनाने आया हुआ था अपने ड्रोन की, लेकिन ना मुझे ना पीछे से आ रही है जंगलों में से आवाज़ हल्की हल्की. हो सकता है कि भाई वो नॉर्मल हवा की हो सकता है कि कोई जानवर हो. अभी मेरे सामने ना वहाँ पे आगे की तरफ एक जंगली गाय भी, भैंस थी, गाय थी, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इन चीज़ों में. तो आगे कोई ऐसी गाय या बैल में से कुछ था. मैं भाई जिधर जिधर जाऊँ, जैसे मान लो मैं उधर जाऊँ वो भी सामने से उधर, मैं इधर आऊँ वो भी उधर, मेरी फटी मैं भाग गया उधर. मैं सच्ची बताऊँ. सो यार सैडली ये कहना पड़ रहा है कि यस दैट आई हैड क्रैश्ड माई ड्रोन इन हिमाचल. ये बात 30 से 35 दिनों पहले की है. मैं और मेरे जीजू और उनके दो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे थे घूमने के लिए हिमाचल टूर पे. उस टाइम पे मैंने ये ड्रोन दो दिन हुआ था खरीदे हुए को, और मुझे इतनी ज्यादा चूल थी ना ये ड्रोन उड़ाने की, कोई एक्सपीरियंस नहीं था. फर्स्ट मेरी फ्लाई थी, वो सबसे पहली फ्लाई मैंने सोचो कहाँ की होगी, वो की हिमाचल के उन बड़े बड़े पहाड़ों में जहाँ पे ये लंबे लंबे पेड़, वहां पे हम लोगों ने किया ये ड्रोन फ्लाई. उस टाइम पे हुआ कुछ ऐसा ना कि मुझे ना ड्रोन के बारे में कुछ खास ऐसी नॉलेज नहीं थी. वहां पर हम लोगों ने छत से, जिस होटल पे हम लोग रुके थे, छत से वहां से हम लोगों ने ड्रोन लॉन्च किया और मैंने भेज दिया बिल्कुल आगे, 200 तकरीबन 500-600 मीटर आगे हमारे होटल से. ड्रोन बहुत सही स्पीड पे चल रहा था और सही चल रहा था, मस्त चल रहा था. आप जैसे अभी ये वीडियोस देख रहे हो कि इसमें बिल्कुल स्ट्रेट हम लोग लेकर जा रहे हैं और सामने आ गई हमारी नदी. जैसे मैंने अपने फ़ोन में देखी नदी, तो मुझे ये था कि यार इसके ऊपर से अगर कुछ शॉट्स अच्छे अच्छे मिल जाएँ तो मज़ा आ जाएगा. तो मैं ले गया उसको उस डैम के ऊपर जहाँ पर मैं ले रहा था ये वाले शॉट्स. फिर प्रॉब्लम ये हुआ कि अचानक से मेरे जो फ़ोन के सिग्नल्स थे वो हो गए लॉस. ये ऐसा नॉर्मली ड्रोन फ्लाई करते हुए हो जाता है, जब आप ड्रोन बाहर भेज दो 700-800 मीटर 1000 मीटर दूर भेज दो तो सिग्नल्स थोड़े से वीक हो जाते हैं, और कई बार आपके रिमोट से आपके ड्रोन के सिग्नल लॉस्ट हो जाते हैं. उसमें पैनिक करने वाली ऐसी कोई बात नहीं होती, लेकिन मेरे लिए वो फर्स्ट टाइम था तो मैं डर गया और मैंने फटाफट होम बटन दबाया. इसमें भी एक फीचर होता है कि भाई आप होम बटन प्रेस करो तो ये जहाँ भी है अपना फ्लाई पाथ लेकर के आपके पास आकर के लैंड हो जाएगा. जैसे मैंने इसका होम बटन प्रेस किया, ये मेरी तरफ बढ़ना शुरू हुआ और 2-3 सेकंड बाद मेरे पास सिग्नल भी आए. तो मैंने ये देख लिया ड्रोन मेरे पास वापस आ रहा है, तो आई वॉज हैप्पी कि चलो ठीक है सब कुछ ठीक है. लेकिन फिर 2-3 सेकंड बाद मेरे सिग्नल हुए लॉस्ट, और जैसे ही सिग्नल दोबारा आए तो मैंने देखा कि ये सीधा जा रहा है पेड़ों के बीच में, और जाकर के ये वहां हो गया क्रैश. भाई इतने दिल पे लगी, भागे हम लोग पागलों की तरह रोड पे. उस दिन मुझे DJI की एक सबसे अच्छी बात ये लगी कि जिस पल ये हमारा ड्रोन क्रैश हुआ उसी सेकंड इस ड्रोन ने अपने लोकेशन के सिग्नल हमारे फ़ोन पे भेज दिए, और हमारे पास लास्ट क्रैश लोकेशन वीडियो वो भी हमारे फ़ोन पे रिफ्लेक्ट हो गई. तो भाई उसके लिए तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, बेस्ट ड्रोन्स रहेंगे DJI के. फटाफट मैं भागा अपने भैया के साथ में और हम लोगों ने लोकेशन पे सर्च किया. तो जैसे हम लोग वहाँ पहुँचे तो इसकी तब तक ये वाली लेग जो थी, इसकी लेफ्ट लेग जो थी, आर्म थी, वो टूट चुकी थी. ये देखो यार इसकी मोटर टूट गई, इसका एक प्रोपेलर डैमेज हो गया, बैटरी की बैटरी क्रैक हो गई, भाई नुकसान हो गया, बहुत दिल पे लगी है मेरे. इसमें एक ही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि ये 15 मीटर से ना ऊपर नहीं जाता, और 15 मीटर पे ना ये पेड़ देख रहे हो, इन पेड़ों से जाके लग जाता है. हुआ ये, इसका सिग्नल लॉस्ट हुआ, मैंने रिटर्न टू होम प्रेस किया. अब ये आ तो रहा था, प्रॉब्लम ये हुआ कि ये पेड़ पे जाकर अटक गया. मेरी भी ये फर्स्ट फ्लाइट ही थी टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन रिकमेंड ये करूँगा कि उड़ाओ तो कम से कम 50-60 मीटर 70 मीटर पे रिटर्न टू होम अपना सेट करो, वरना ये पेड़ों पे तो बड़ा बुरा हाल है. वैसे दो चार शॉट आए हैं, तब तक तुम लोग वो इन्जॉय करो, मैं इसको ठीक करवा के वापस फिर आता हूँ.
वो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा नुकसान और एक झटका था। खैर जब मैं इसको रिपेयर करवा रहा था तब मुझे इसकी दो चीज़ें पता लगी, जो एक ड्रॉबैक है और एक इसकी एडवांटेज भी। एडवांटेज ये है कि अगर मेरा आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है सो गो एंड वॉच दैट वीडियो, उसके अंदर हम लोगों ने ना ड्रोन के इंडिया में लीगैलिटीज़ और इसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं इन सब के बारे में बात की है। एडवांटेज इसकी ये है कि 250 ग्राम से नीचे का ड्रोन है तो ये टॉय ड्रोन में एज अ काउंट होता है, इसको मैं बिंदास ग्रीन जोन में कहीं पर भी उड़ा सकता। इसका जो मुझे ड्रॉबैक मुझे ये लगा कि ना DJI की ऑफिशियल साइट से या DJI की तरफ से ना ये ड्रोन ना लॉक कर देते हैं 15 मीटर की हाइट पे। अब वो 15 मीटर की हाइट ऐसे नहीं कि अब जैसे आपने यहाँ से उड़ाया तो वो चलता रहेगा, नहीं, वो 15 मीटर की हाइट लेगा ग्राउंड लेवल से। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस ड्रोन को रख दूँ इस टेबल के ऊपर और यहाँ से उड़ाऊँ ऊपर 15 मीटर तक, तो ये यहाँ से इस टेबल से यानी इस ग्राउंड से लेकर के ऊपर तक की 15 मीटर की हाइट ले लेगा। तो नीचे आप देख रहे हो, नीचे तो खाई है, इसने वो ग्राउंड लेवल कहाँ मर्ज किया, इसने शुरू किया डिसेंट होना। उस टाइम पे मुझे ये सारी नॉलेज नहीं थी, तो जो मेरे भाई ये ड्रोन वगैरह लेना चाहते हो ना वो स्टूपिड हरकत आप मत करना मेरे भाई। लेकिन जब मैं इसको उस डैम के ऊपर लेकर के आया ना, तो अगर आप नोटिस कर रहे होगे तो धीरे धीरे ड्रोन ना बिल्कुल ग्राउंड के पास आ गया, यानी 15 मीटर ये पास आ गया। तो अब जब ये इसको मैंने होम बटन प्रेस किया तो वो ड्रोन टर्न हुआ, मेरी तरफ बढ़ा यानी होम लोकेशन की तरफ बढ़ा, और सामने तब तक जो पेड़ों की हाइट थी वो ऊपर हो चुकी थी, क्योंकि पहाड़ों में नॉर्मली जो पेड़ों की हाइट होती है वो 20 मीटर 22 मीटर 23 मीटर 18 मीटर नॉर्मल रहते हैं ये, और 15 मीटर पे मेरा ड्रोन सेट था तो वो उतनी हाइट उसके लिए सफिशिएंट नहीं थी, चाके वो बचा ड्रोन पेड़ के अंदर और हुआ मेरा दिल चूर चूर जिसे कहते हैं। सो ड्रोन हुआ था हमारा कुछ इस तरीके से क्रैश। इस वीडियो को बनाने का जो रीज़न था वो यही था कि जैसे मैंने अभी अपने पीछे चैनल पे 2-3 वीडियोस पोस्ट किए हैं और ड्रोन से रिलेटेड ही, तो मैं चाहता हूँ आप लोग ये वीडियो भी देखो। और अगर आप ड्रोन खरीदते हो तो यार ये स्टूपिड चीज़ मत करना, इंडिया में जो है 15 मीटर लॉक कर रखा है और डिस्टेंस भी कुछ एक लिमिटेड रेडियस तक है जहाँ तक आप उड़ा सकते हो। ऑल्दो ये जो ड्रोन है ना इसकी जो अगर मैं लिमिट बताऊँ तो ये तकरीबन 1000 मीटर या 1200-1500 मीटर तक इजीली ऊपर जा सकता है, और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो 2-2.5-3000 मीटर तक यानी कि 3 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर तक आगे ये जा सकता है। अगर ये ग्रीन जोन रेड जोन येलो जोन के बारे में आप जानना चाहते हो तो मेरी ये वाली वीडियो ज़रूर देख लेना, उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना। खैर मेरा तो हुआ ड्रोन क्रैश और उसको करा लिया मैंने रिपेयर, लेकिन अगर आप लोग चलाओ तो सावधानी से चलाना। अगर आप लोग ड्रोन खरीदना चाहते हो मैं फिर से एक वेबसाइट का नाम मेंशन कर देता हूँ, डिजिटल स्काई, आप वहाँ पर जा करके अपने फ्लाई जोन्स जो हैं वो चेक कर सकते हो। और अगर आप लोगों को फ्लाई जोन्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मेरा ये वाला वीडियो देखिए, इसमें आपको सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। मैं मिलूंगा आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव फन, सी या, बाय। मेरे दो चार शॉट आए हैं, तुम लोग बोलिए ब्रो, मैं इसको ठीक करवा के वापस कराता हूँ।